नमस्कार जोहार, मैं रितिका कुमारी और आप सभी देख रहे हैं नंबर वन न्यूज झारखंड बिहार। हिमंता विश्वकर्मा जिंदाबाद। मित्रों, आज के इस मिलन कार्यक्रम में मंच पर विराजमान पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष, इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी, असम सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और हम सब का लगातार कर रहे झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए सह प्रभारी के रूप में आपका मार्गदर्शन हम सबको मिल रहा है। ऐसे श्रीमान हिमंता विश्व शर्मा जी गिरिडीह जिला के माननीय जिला अध्यक्ष श्री महादेव दुबे जी, पार्टी की प्रदेश की उपाध्यक्ष महन आरती कुजूर जी, आप सब का मंच पर स्वागत करते होंगे। मित्रों, आप देख रहे होंगे मंच पर दो और सज्जन उपस्थित हैं, मैं उनका परिचय कराते हुए आज भारतीय जनता पार्टी में उनकी सदस्यता हो, इसके पहले मैं आपको परिचय करा दूं। डॉक्टर मंजू कुमारी जी, आप कांग्रेस के नेत्री नहीं और आप भारतीय जनता पार्टी में आप सदस्यता ग्रहण करने के लिए यहाँ पहुंची हैं। पिछले चुनाव में आपने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चंबल विधानसभा से चुनाव लड़ा था। आज के अवसर पर मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय प्रभारी जी से आग्रह करता हूँ कि डॉक्टर मंजू कुमारी जी को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिला करके बड़े परिवार में सदस्य के रूप में उनका स्वागत करें। आपको अनुभव होगा हमारे बीच उनके पिताश्री डॉक्टर मंजू कुमारी जी के पिताश्री जो लगातार लंबे वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे और उस क्षेत्र में कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन भी किया। ऐसे श्री शंकर रविदास जी, आप 1977 और 1995 में भाजपा के विधायक रह चुके हैं, आज भारतीय जनता पार्टी में विधिवत पुनः शामिल हो रहे हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बाबूलाल जी एक मिनट बोल देगा। डॉक्टर मंजू कुमारी और श्री शुक्र रविदास, अब मैं डॉक्टर मंजू जी से आग्रह करता हूँ, बाद में बात कर लेंगे तब पूछेगी, समय का अभाव है। मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूँ कि आज के संदर्भ में दोनों का मैं स्वागत करता हूँ पार्टी में और अभिनंदन करता हूँ। और मैं कहूंगा कि आज सदस्यता नहीं बल्कि इसको हम कह सकते हैं अपने घर की वापसी, क्योंकि शुक्र रविदास जी आज से नहीं, हम लोग जब पॉलिटिक्स में नहीं थे तब से ये भारतीय जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी में, और 1995 में 1977 1995 में विधायक रहे वहां झबुआ क्षेत्र से, और इसलिए हम सब लोगों ने साथ साथ काम किया था वर्षों, लेकिन किसी कालक्रम में थोड़ा सा इधर उधर बिछोड़ गए थे। और इनके पुत्री भी हम सब लोगों से जब पिताजी से संबंध था तो आप समझ सकते हो घर से ही संबंध है सबसे,
और इनके भी काफी दिनों से इच्छा थी कि हमको बाहर में मन नहीं लगता है कि बीजेपी में आ जाए तो अच्छा लगेगा, तो फिर आज हम सबको भी खुशी है कि अपने परिवार में आप पिता और पुत्री आज पार्टी में फिर से वापस आए, घर वापसी की। उसके लिए मैं दोनों का अभिनंदन करता हूँ और दोनों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और विशेष कुछ हमारे उसे करने को आज नहीं बचा पाए क्योंकि आप हम सब लोग मिल करके काम करेंगे और मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही। आपको हेमंता जी है, हम जरूर कहेंगे कि आप आशीर्वाद दें। मैं आप भी लोग एक लोग कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। तो सर हाँ बोल लीजिए ना, आप लोग सर एक ही बयान में क्योंकि मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि मंजू देवी का भविष्य बहुत उज्जवल है, तो उसी से बाकी आप निकाल लीजिए, लेकिन उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। बाकी बताइए, पूरा उज्जवल है, उनका भविष्य बहुत उज्जवल है और बाबूलाल जी ने आशीर्वाद दे दिया है और बाबूलाल जी बोला है कि घर में और वहां बस आए हैं, तो आप आपको सारे समझ में काल परसों आ ही जाएगा। देखिए हमारा ये कोशिश है कि जो साथी कोई समय हमको छोड़ के चला गया था लेकिन उनका मन और तन भारतीय जनता पार्टी में ही है, मोदी जी का साथी है, सबको वहां पर घर को बुलाना और घर को मजबूत करना। और रास्ता में नया साथी भी मिल रहा है और जहां जहां नया साथी को लगता है कि ये साथी आने से दल मजबूत होगा उनको भी लाना चाहते हैं, तो आगे दो तीन दिन ऐसे दो साल सिलसिला चलेगा और हमारा कोशिश होगा कि दो तीन दिन में ही हमारा उम्मीदवार का लिस्ट भी अनाउंस कर दे। आशू का साथ लगभग हो चुका है, एक ही सीट में उनका साथ कुछ बात चल रहा है, नहीं आशू को 10 का आसपास सीट मिलेगा, 10 से 11 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, लेकिन उनको अच्छे सीटें मिलेगा। जेडीयू का साथ लगभग 2 सीट में हमारा बातचीत हुआ है, अगर पार्टी हाईकमान और कुछ करे तो अलग बात है, और चिराग पासवान जी से भी बातचीत चल रहा है। देखिए सीट से ज्यादा एक साथ लड़ना, हम बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स में नहीं किया हो, एक ही एनडीए परिवार है, सीट जीतना और एक एनडीए हिसाब से झारखंड में चुनाव लड़ना कि हम सब एक साथ हो, एक साथ हम लोग है, एक साथ चुनाव प्रसार करूंगा, यही है। लेकिन सीट का बारे में मैं जैसे बोला कि आशु से लगभग हो चुका है, 9-11 उसी का रेंज में हो जाएगा और कल शाम तक मेरा लगता है कि पूरा कमीशन घोषणा कर देने का तुरंत बाद काल परसों तुरंत हम लोग अलायंस का भी घोषणा कर दूंगा और लगभग पहला सूची भी हम लोग तुरंत ही दे दूंगा, हम लोग तैयार बैठा हूं। लेकिन जब तक इलेक्शन कमीशन विधिवत घोषणा नहीं करता है उससे पहले टिकट अनाउंस करना ठीक नहीं लगता है, इसके लिए हम थोड़ा इंतजार करें। हमारा इलेक्शन कमीशन का ही इंतजार हो रहा है, चुनाव आयोग अगर आज सुबह चुनाव डिक्लेयर करता है तो 24 से 48 आवर्स के अंदर बीजेपी का सूची आ जाए। नहीं देखिए मंजू देवी जी का ज्वाइनिंग का बाद वो अटकले अभी नहीं है, वो खत्म हो गया है, तो वो तो हाँ हाँ वो नहीं उनसे अभी तक कोई हमारा बातचीत नहीं हुआ है, हमारा आशु से लगभग फाइनल हो चुका है, जनता दल यू से फाइनल हो चुका है,
चिराग पासवान जी अभी फॉरेन में है, 16 तारीख को आ जाएगा, तो उनका साथ भी एक राउंड का डिस्कशन होने का बाद वो भी ठीक ठाक हो जाएगा। बाकी हमारा चुनाव कमिटी का एक बैठक हो चुका है, कल 7 बजे और एक बैठक है। कल लगभग 5 या 6 सीट छोड़ के सारे सीटों का तैयार हो जाएगा, फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड का बैठक होगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड उनमें सील मुहर लगाने का बाद हमारा चुनाव अभियान शुरू हो जाएगा। लगभग मन में ही होगा कि सारे लिस्ट निकाल जाए, लेकिन कभी पॉलिटिकल पार्टी का कभी यह होता है 1 और 2 सीट में। मैं ये आपको बोल सकता हूँ कि 98% सीट एक ही साथ अनाउंस हो जाए। देखिए हरियाणा में हमने जो 2100 अनाउंस किया तो कांग्रेस ने 6000 अनाउंस किया, लेकिन लोगों ने बोला कि मोदी का 2100 में हमारा ज्यादा भरोसा है। आप अभी हरियाणा में देखो, पहले कांग्रेस ने 2000 बोला था, हमने बोला हम 2100 दूंगा, फिर कांग्रेस ने आनंद फनन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला हम 6000 रुपया देगा, लेकिन हरियाणा का लोगों ने बोला कि हमें सब पता है, चुनाव का बात कुछ आप देने वाला नहीं है, लेकिन मोदी अगर बोलता है 2100 वो हमें 100% मिलेगा। तो हमारा गोगो दीदी स्कीम 7000 माताओं ने फॉर्म फिलअप कर चुका है, डाटा एंट्री हो चुका है, और हम सबको अभी रिप्लाई भी कर देता हूं कि हम लोग कमिटेड है आपके लिए, और कैबिनेट का शपथ होगा वही शाम से गोगो दीदी स्टार्ट हो जाएगा। हम 5 साल तक इंतजार नहीं करूंगा। और आज जो आप लोग बोल रहे हैं कैबिनेट 2500 करेगा, कल तो चुनाव अनाउंस है, तो फर्क क्या पड़ेगा? तो ये ऐसे तो बच्चा का खेला हो जाता है ना कि मैं 2500 किया हूं तो मैं 2600 कर दूंगा। आप पहले ही उनको 2100 क्यों नहीं? अगर आपका पास संसाधन था, अगर आप 2500 कर ही सकता था तो 1000 से क्यों शुरुआत किया? क्यों माता लोगों को ठगा आपने? अगर आप इतना दिन बोल रहा था डेली पैसा नहीं दूंगा तो मैं 2000 नहीं कर पाता हूं, अभी आप बोल रहे नहीं नहीं मेरा पास संपद है मैं 2500 कर दूंगा, तो पहले क्यों माताओं को ठगा आपने 1000 देके? क्यों 1000 का सम्मान यात्रा निकाला आपने? कल तो हम ये आपको क्वेश्चन करूंगा कि क्यों माताओं को जब आप 2500 रुपया देने का आपका पास संसाधन थे तो आप 1000 रुपया से इनको क्यों 1000 रुपया क्यों दिया, माता को क्यों ठगा? और बीजेपी जब तक आपको हरकत में लेके नहीं आया तब तक आप तो हरकत में नहीं आए, तो इसीलिए ये सब ठगने वाला व्यवस्था है। लेकिन मोदी का गारंटी जेनुइन है, 100% है, उसी से काम। संदन क्यारी बीजेपी लगे और आशु से बात हो चुका है, कोई समस्या नहीं। देखिए दो मैं आपको बताता हूँ, 81 सीट है, 10% सीट में हमें हमारा जो पहले कोई समय में बीजेपी में था, कोई कारण में पार्टी छोड़ के गए थे, वो लोगों को लाना हमारा काम है, हर इलेक्शन में पार्टी को मजबूती देना। लेकिन जो हमारा कोर सीट है, अगर 81 सीट को आप अलायंस का बात 70 में रह जाए, 70 में हम बाहर से लाऊंगा तो कितना को लाऊंगा, 5 या 6, उससे तो ज्यादा नहीं होगा। लेकिन बाकी पार्टी भी इतना ही करते हैं, ये तो चलते रहते हैं। कांग्रेस तो चुनाव का अंत 2 बजे चुनाव होगा, 1:55 में हरियाणा में अशोक डावर को ज्वाइन करवा लिया था। तो लेकिन हमारा काम इतना नहीं है, हम जानता हूं कहां किसको लोगों को लाना है, उधारी हम लोगों को लाता हूं, जहां जरूरत नहीं है वहां हम लोगों को नहीं लाता। देखिए बाकी जो सीट है
कल या परसों तक इंतजार कर लीजिए, लेकिन आशू का साथ बड़ा अच्छा से बातचीत हुआ है, कहीं भी कटाक्ष नहीं है। एक सीट के लिए कुछ समस्या है, वो हम लोग सुलझा लूंगा कल तक, नाम बोलना ठीक नहीं होगा, लेकिन एक सीट के लिए कुछ समस्या ही है, वो सीट का बातें हम सुलझा लेता हूँ कल। या तो बीजेपी थोड़ा बैक होगा या तो आशू बैक होगा, जो होगा, लेकिन अलायंस भी होगा और एक साथ चुनाव भी लड़ा था। किसको? देखिए, मिथिलेश ठाकुर जी तब बीजेपी में शामिल होगा जब जल जीवन मिशन का पानी हर व्यक्ति तक पहुंचेगा। मिथिलेश ठाकुर और हमारा बीच में समस्या एक ही है, जल जीवन का पानी। अगर जल जीवन का पानी ही गरीबों का घर में नहीं जाएगा तो आपको लाके मैं क्या करूंगा, आप तो समस्या बन जाएगा। आपने लोकसभा चुनाव का परिणाम नहीं देखा है, उनका क्षेत्र में रिजल्ट क्या है। ईडी का रेत से बीजेपी का कोई संबंध नहीं, तो अपना काम करते रहता है, लेकिन जल जीवन मिशन में जो धोखा हुआ है, ये तो सारा झारखंड का यूट्यूबर्स फिल्म बना बना के ठोक रहा है। कोई घर में पानी नहीं जा रहा है, किसी को पानी का पीने का पानी नहीं है घर में। चलिए ना, हेमंत जी और मैं खुद जाता हूँ कहीं किसी का घर में पानी पी के आता हूँ, जल जीवन मिशन का। देखिए, आप हेमंत जी को इतना ही समझना चाहिए कि ईडी और सीबीआई कभी महात्मा गांधी का घर में नहीं जाता, इतना समझ लेना चाहिए। कभी महात्मा गांधी का घर में ईडी सीबीआई जाते हैं क्या? तो ईडी सीबीआई तब जाता है जब आपका घर में 300 करोड़ रुपया होता है, और वही फॉलो आपको मिल जाने से आप कितना बढ़िया चैनल बना लेगा वही 300 करोड़। आप सोचिए ना, ये 300 करोड़ अगर 3-3 करोड़ सबको मिल जाता है, आपको आईपीडीआर का एड के लिए इंतजार करना है क्या? तो ये लोगों से पैसा लाके गरीबों को बांटना क्या गुना है? आप लोग ऐसे क्वेश्चन करता है जैसे ईडी सीबीआई। मैं आपको बताया, देखिए, अगर मोदी जी का समय में गरीबों को जो कुछ मिला है, मैं हिसाब लगा के एक दिन आपको बात करूंगा हमें कितना मिला। 5 लाख रुपया खाली साल में चिकित्सा के लिए मिलता है, 15 लाख तो कभी क्रॉस हो चुका है। प्रति साल 5 लाख रुपया खाली आपका मेडिकल चेकअप के लिए। अभी मोदी जी ने बोल दिया 70 साल का ऊपर हर व्यक्ति को मिलेगा 5 लाख का ऊपर। आप लगाइए ना हिसाब, 2016 से जितना साल आया, प्रधानमंत्री आवास का घर आया, जल जीवन का पानी आया, इलेक्ट्रिसिटी आया, आयुष्मान भारत आया, पूरा हिसाब लगा के देखिए ना। सर, सब तो देखिए, 1,36,000 करोड़ क्या 1,37,000? अरे हेमंत जी जो भी बोलेगा कि 1,37,000 मुझको मिलना है, 1,50,000 मुझको मिलना है, भाई आपका समय में नहीं दिया है तो बीजेपी का समय में आ जाएगा अगर मिलना ही है। लेकिन आपको अगर मिलना है, उसका अकाउंट्स भी तो आपको दिखाना पड़ेगा। और 1,37,000 से ज्यादा कैलाशुरी तो झारखंड में ही आपका साम्राज्य में हो चुका है। अगर कैलाशुरी नहीं होते थे तो 1.5-2 लाख करोड़ रुपया तो झारखंड का राशि में ही आ जाते। आप हर बात बोलते हैं जो बात आपको बोलना नहीं चाहिए। आप झारखंड में पूरा कोयला को चोरी करने के लिए इजाजत दे के रखा है, बालू को चोरी करने का इजाजत दे के रखा है। वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा आपने कहाँ दिखाया आपका अकाउंट? वो पैसा आ जाते थे माया सम्मान योजना 2100 का हो जाते थे। अगर बालू का कैला का पैसा कहा है? आप 1,37,000 करोड़ एक बोलते रहते हैं, भाई आप सुप्रीम कोर्ट को समझाओ ना, आपको 1,37,000 करोड़ मिलना। ये तो मैं भगवान को प्रार्थना कर रहा हूँ कि राहुल जी जल्दी जल्दी झारखंड में आए, 5-10 सीट हमको और दे के चला जाए। वो तो लेट हो चुका है,
राहुल जी को तो अपना अब तक आ जाना चाहिए था, क्यों लेट कर रहा है? इसीलिए मेरा आप कभी कभी मुझको टेंस देखता है ना, इसीलिए टेंशन में देखते हैं, इसलिए जब तक राहुल जी नहीं आते हैं तब तक मेरा पूरा सीट नहीं होते। अच्छा, अगले अगले 7 दिन 25 फिर देर सब। नहीं नहीं भी होना चाहिए। देखिए पहले खटाखट शुरू किया राहुल गांधी 8,500 रुपये खटाखट उन्होंने शुरू किया। हमने तो बाकी जो प्रदेश में करता हूँ वही कर रहा हूँ, हमारे लिए कोई नया नहीं। मध्य प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, अभी आप भी मुझको पस कर सकते हैं कि आप असम में माताओं को दे रहा है, महाराष्ट्र में दे रहा है, झारखंड को क्यों नहीं दे रहा है? हम वही कर रहा हूं जो हमारा बाकी प्रदेश में हम करते आए, हम नया कुछ नहीं कर रहा। गोगो दीदी नाम नया है लेकिन काम हमारा पूरा। भैया के लिए नौकरी 3 लाख नौकरी, उससे भैया को देखिए ये माइया हो गोगो दीदी है ये टेम्पोररी, लेकिन घर में भैया को नौकरी मिल जाए ना तो ये स्कीम का कोई जरूरत नहीं होती, ये मैं विश्वास करता हूँ। और झारखंड का कोई युवाओं ने ये ट्वीट में लिखा है, फेसबुक में लिखा है, मैं पूरा समर्थन करता हूँ। अगर झारखंड में 3 लाख नौकरी हो जाता है, 5 लाख और रोजगार का व्यवस्था हो जाता है तो बेटा ही माँ का ख्याल रखेगा। तो इसीलिए हमारा भाइयों को हम क्लियर बोलता हूँ, सरकार बनने का पहले ही हम कैलेंडर जारी कर दूंगा कौन दिन किसका इंटरव्यू होगा। और हम 3 लाख, 3 लाख से थोड़ा कम, 2,78,000 हम नौकरी देते ही रहेगा, ये हमारा वादा। और निष्पक्ष, कोई क्वेश्चन पेपर लीक नहीं, गरीबों का घर में नौकरी मिले। चलिए देखिए, झारखंड में मेरा असम में 40% मुसलमान, लेकिन दुर्गा माँ का विसर्जन हुआ और मैक्सिमम मुसलमान युवाओं ने ही मुझको दुर्गा माँ का फोटो पोस्ट करके करके पूजा का शुभेच्छा दी। सरकार रहने से लोग पूजा को सम्मान करने सीखेगा, मैं आपको वादा करता हूँ बीजेपी का सरकार झारखंड में 1 साल रहने दीजिए, लोग महरम और पूजा का जो एक्सपीरियंस है भूल जाएगा। और मुसलमान लोग भी रामनवमी का प्रोसेशन में शरीफ होगा और हमारे दुर्गा पूजा में भी शरीफ होगा भाईचारे के नाम पर। आप लिख के रहिए, हम लोग हालत बदलते रहो, और कैसे बदलना है हम जानता हूं। आप पूजा का विसर्जन नहीं होगा, रामनवमी का प्रोसेशन नहीं होगा, ये कैसा बात होगा? वो नहीं हो पाएगा। देखिए 1 साल खाली समय दीजिए, ये सब क्वेश्चन ही नहीं आएगा, हम हालत बदल देगा झारखंड का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अभी तो CWC को 25,000 लोगों को कमीशन नहीं मिल रहा है, सुनाओ एक बार हो जाने दीजिए, ये 1,000 रुपया भी अपने आप बंद कर देगा। ये हेमंत सोरेन जी कौन सा वादा अभी तक पूरा किया है आप बताइए? तो ये माइया से कुछ काम नहीं होगा, गोगो दीदी मोदी जी ने बोला है सबका अकाउंट में भी पैसा आएगा, और जिसका जिसका साथ अन्याय हुआ है झारखंड में हम सबका साथ न्याय करेंगे। आप महिलाओं को कितनी सीट दे रहे हैं? महिला देखिए आज भी एक महिला माँ का योगदान हुआ, कोशिश यही होगा कि मैक्सिमम महिलाओं का टिकट मिले। चल देखिए, मैं कर्नाटक के बारे में बहुत ज्यादा स्टडी नहीं किया हूँ, झारखंड और असम में ही बिजी हूँ, तो ये क्वेश्चन मैं बाद में आंसर। साथ में आया, हाँ सबको सम्मान कर दीजिए।
दीपक भारती जी आगे जाइए जल्दी जल्दी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय प्रभारी जी आप सबको सम्मान करेंगे। श्री मोहन दास जी, कामेश्वर दास जी, जगदीश दास जी, प्रकोष वर्मा जी, मुंदर दास जी, रंजीत वर्मा जी, कामेश्वर शर्मा, दिवाकर वर्मा जी, संदीप वर्मा जी, हिमांशु गुप्ता जी, सब लोग आ जाइए। चलो बेटा आप लोग सब जमुआई से आपको अच्छा लगा अपना पुराना जनसंख्या का है। 1970 में आया 1970 में चेंज है मैं 1974 में छात्र था इमरजेंसी का। हां 1974 में छात्र था तो चार मैंने भारत पूरी कर सके इमरजेंसी साल पर एग्री किए थे एक बना आदो इसे हजारी बात बहुत बढ़िया आप उधर से जब आपने क्या शुरू किया बच्ची को जो है मैंने बच्ची आपने हर खबर पर अब होगा सर। अगर आप लोगों को न्यूज चैनल अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।